धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। हर ओर सिर्फ लॉकडाउन लागू करने ना करने को लेकर बहस हो रही है। कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है कि कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनका आंकड़ा भारत के अंदर 1,00,000 से ऊपर पहुंच चुका है और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार है कि सिर्फ राज्यों पर आरोप लगा रही है और राज्य जो हैं वो केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके अलावा तमाम चीजों को दफन कर दिया है। या भोंपू मीडिया के दलाल चैटकर और दंगाई पत्रकार शाम को टीवी खोल के बैठ जाते हैं और उसमें हिंदू मुस्लिम के चैप्टर पे अपने काम करने लगते हैं। फिर से एक बार धाकड़ खबर पर इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंकज श्रीवास्तव, जो तिलकधारी के नाम से सोशल मीडिया पर खासे मशहूर हैं। वो प्रधानमंत्री के, मैं फिर कहूंगा एक बार, के कट्टर आलोचक माने जाते हैं, लेकिन उनके जो बोल वचन है उनका धाकड़ खबर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हल्की बातें भी करते हैं, स्पष्ट कर दें हम, लेकिन फिर भी उनसे बात करेंगे क्योंकि उनको लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पंकज जी, बहुत शुक्रिया फिर से टाइम निकालने के लिए। जी नमस्कार। पहला मेरा सवाल आपसे है कि जिस वक्त देश के अंदर 500 मरीज भी नहीं थे उस वक्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया था और आज देश में जब 1,00,000 के करीब मरीज हो चुके हैं तो लॉकडाउन में बहुत सारी रियायतें दी जा रही हैं, कैसे देखते हैं इसको? वो पहले का फैसला सही था कि आज का फैसला सही है, या जो भी कुछ फैसला होता है वो दिव्य ज्ञान से ही होता है? नीम हकीम खतरे में जान, मंदोदरी ने रावण से कहा था राजा के मूर्ख और अहंकारी होने का पूरा देश की प्रजा को भुगतना होता है। नरेंद्र मोदी जी अहंकारी हैं, दंभी हैं, जिसके कारण पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया, भट्ठा बैठ गया। 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी में लगे हुए थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी की बंदूक खाली थी, निशाना उनका चूक गया, ट्रंप 56 इंची सीने पर थूक गया। जुमलों का सहन था, भारत को 2020 तक महाशक्ति बनाने की बात कर रहा था, 2020 आते ही आत्मनिर्भर बनाने की बात करने लग गए। विकास से शुरू हुआ जुमला, मन 7 साल के सफर में भटक गया, अब देखिए अब आत्मनिर्भर पर आके अटक गया। प्रधानमंत्री जी, आप या आपके मंत्री की भी चरणों पर आकर अपना चेहरा दिखाते हैं, चेहरा दिखाने से होता है? जब एक ही बात को 5 दिन इनके मंत्री निर्मला सीतारमण जी अंग्रेजी में बोल रहे थे, इनके अनुवाद ये लोन मंत्री बन गए और अब अनुराग ठाकुर अनुवाद मंत्री बन गए। देश पूछना चाहता है, जो वर्ल्ड बैंक से 1 मिलियन आपको मिला $, आप लोगों को लोन दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है जो समय पर नहीं उसका क्या करेगा, मर जाए जी तो कौन खाएगा जी। प्रधानमंत्री जी, भाजपा के तमाम नेता, प्रियंका गांधी का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपना दिल उदार किया, लोगों के लिए बसों की व्यवस्था की। भाजपा के निकम्मे, नमक हराम, नमक हलाल, दरिंदे, निष्ठुर, पत्थर दिल नेताओं ने उस पर राजनीति शुरू कर दी। ये कहते हैं ऑटो का नंबर है, ये तो एम्बुलेंस का नंबर है। अरे निकम्मो, जिस दिन भारत माँ के 45 वीर सपूत शहीद हुए थे तुमसे एक कार का नंबर पता नहीं चला, निकम्मे निठल्ले। गोरे अंग्रेजों की नजायज आत्माएं भाजपा नेताओं के कलेजे के अंदर प्रवाहित है। वो उसी तरीके से जिस तरीके से सावर करने देश को लूटने के लिए गोरे अंग्रेजों की गुलामी करी थी, मुखबरी करी थी, ये भाजपा के दरिंदे, भाजपा के नमक हराम, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। देश की जनता ने नून रोटी खाकर नमक का शरीयत नहीं दिया। मोदी और मोदी के लोग, आप कहते हैं आलोचक, इन दरिंदों के पत्थर दिलों के ऊपर कान पर क्यों नहीं खेल? किस तरीके से मजदूर दिवस है, आज 57 दिन होने को है, कौन दोषी है? मोदी जी, मुंह में कालिख पोत कर चिल्ल भर पानी में डूब मरने की जरूरत है भाजपा के विधायक और सांसदों को। ये देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसे से वेतन भत्ता लेते हैं, अय्याश की जिंदगी बिताते हैं। आपके देखिए 90,000 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ हुआ, किसके लिए भाई? देश की जनता का बिजली बिल माफ हुआ क्या? इनके तमाम उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री कहते हैं हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, लॉकडाउन में कहां से रोजगार दिया भाई? स्मृति ईरानी कहती है कि हमने 84-80 करोड़ परिवारों को राशन मुहैया कराया, गर्भवती
इतना गर्भवती महिला पाकिस्तानों का जोड़ लिए क्या, अफगानिस्तान नेपाल का भी जोड़ लिए क्या? अजीब एक बात बताइए, हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ 135 करोड़ है, अगर दो आदमी का परिवार होगा 160 करोड़। झूठ बोलने में क्या जाता है, जब हवे में हलवा बनाना है तो उसमें कितना घी डालने कितना शक्कर डालने पता ही नहीं। भाजपा के अनपढ़ गमार नेताओं को देखिए, खुद वित्त मंत्री पहले कहती थी मैं प्याज नहीं खाती, अरे कल कपड़ा महंगा होगा कपड़ा पहनना छोड़ देगी। वही वित्त मंत्री अनपढ़ जाहिल सुनिए, वो कहती है 71,738 मैट्रिक टन दाल हमने बांटे, किसको बांटे? अपने रिश्तेदारों को बांट के आए। मैट्रिक टन में 1,000 किलो होता है, इनको पता ही नहीं कि सुनना दाएं जाए तो बाएं जाए तो क्या होता है, सुनने का पतला ही पता ही नहीं। चलिए अब आप ही पूरा बोल लेंगे तो इंटरव्यू के मायने ही कुछ नहीं रह जाएंगे, ये तो होगा कि एक तरफा पूरी बातचीत हो गई। आपने दिनों का जिक्र किया, आपने कहा कि 57 दिन हो चुके हैं। मैं दिनों के हवाले से कुछ चीजें आपसे समझना चाहता हूं। पहले लॉकडाउन का ऐलान करते हुए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, कोरोना से जंग 21 दिन लड़नी पड़ेगी। उसके बाद दूसरे चरण का ऐलान करते हुए कहा कि 19 दिन अभी और आपको झेलना पड़ेगा। उसके बाद 15 दिन के लिए बढ़ाया गया, उसके बाद अब 13 दिन के लिए बढ़ाया गया। तो मैं दिनों के हिसाब से जो सिस्टम है, पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, फिर 15 दिन, फिर 13 दिन, तो ये क्या किसी पंडित से, पुजारी से, किसी बाबा से, तांत्रिक से, मौलाना से पूछ के आते हैं, उसके हिसाब से ऐलान किया जाता है क्या? ये किसी के सगे नहीं है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसमें मोदी जी ने ठगा नहीं, ये है बाबा रामदेव के सगे, ये अन्ना हजारे के हैं, नीरव मोदी मेहुल चौकसी के हैं। देश जब कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित था, किस तरीके से कमीशन के आधार पर जो भाजपा को चुनावी चंदा देता है 68,607 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। कोई धर्म ये नहीं कहता है, रामायण में देश की जनता ने देखा है, जो रामायण उन्होंने दिखाया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवन बूटी बैद की जरूरत पड़ी, बगैर दवाई के कोई काम नहीं होता। एक्चुअली भाजपा मदारियों की पार्टी है, झूठ और फ्रेब का धंधा है इनका। ये दिमाग देश की जनता का कन्वर्ट कराने के लिए जितना ये लोग कांग्रेस पार्टी की ऊपर उंगली उठाने में लगते हैं, अगर देश में जरा सा भी लाज शर्म होता निर्लज्जों को तो देश की जनता के बारे में सोचा होता। आज जो भारतीय श्रमिक मजदूर किसान भारत की रीढ़ है, आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता बातों में बनता है, प्रधानमंत्री जी विदेशी कार पर चढ़ते हैं, प्रधानमंत्री इनका जो संदीप पात्रा गोबर पात्रा जो 27 लाख रुपया हराम का खाता है, गरुआ वस्त्र पहन के लोकसभा चुनावों में कहा किस बिल में छुपा है, इतने डॉक्टर है महेश शर्मा हर्षवर्धन, देखा किस तरीके से जब राहुल गांधी के बात पर मजाक उड़ा रहे थे, खुद प्रधानमंत्री जी बिहार चुनाव का श्री गणेश कर रहे थे लिट्टी चोखा खाकर, उस बिहार की क्या स्थिति है? तमाम मीडिया एक रिपोर्ट दिखा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ी है, लेकिन आप लोग देखना क्यों नहीं चाहते? देश के दलाल मीडिया का स्तर जितना झुमका बरेली के बाजार में नहीं गिरा, भाजपा की सरकार में गिरा। ये भाजपा के लोगों से सर्वे करते हैं, अगर माँ का दूध पिया है 2 कौड़ी के ये निर्लज भरवे पत्रकार, ये किसकी बात करते हैं आप? जी नहीं, उसका मालिक सुभाष चंद्रा भाजपा का सांसद भारत को लूटा, भारतीय बैंकों को लूटा, तिहाड़ जेल का कैदी सुधीर चौधरी जवाब देगा। 28 कोरोना पॉजिटिव है, किन किन लोगों में फैलाया इन लोगों ने, क्या इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा? बहुत तबलीगी जमात पर उंगली उठाने वाले लोग, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, किस तरीके से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश किया देश में, ये हर मामले में देखिए। अर्णब गोस्वामी सब कैसे चुप है, कहता था पालघर की हिंसा पर इतना, अब कोरोना पॉजिटिव पाया गया, क्यों नहीं उसमें करता है? जब यूपी में दिन प्रतिदिन, अभी हाल में संभल में घटना हुई है, गोली मारकर दबंगों ने हत्या कर दी, अयोध्या में साधु की मौत हुई, बुलंदशहर में हुई, एटा में हुई, यूपी तो जंगल राज माफिया राज बना दिया इस भूमि ने, उस पर क्या कहेगा? देश की जनता को तत्काल वैकल्पिक राहत की जरूरत। राहत की आपने बात की, बहुत अच्छा हुआ, मैं मेरा सवाल यही था अगला, और आपने खुद राहत की बात कर दी। 20 लाख करोड़ पूरी जीडीपी का 10% राहत पैकेज दिया गया है, आपको नहीं दिखाई दे रहा? दिख रहा है मेरे को, मैं अन्न खाता हूँ, मेरे में दिमाग है, मैं भाजपा का अंधभक्त नहीं हूँ, गोबर को चमन प्राप्त समझ के नहीं खाने वाले लोग। ये लोन दे रहे, ये व्यवसाय कर रहे, जो वर्ल्ड बैंक पैसा लाए कहां से, अपने पिताजी के घर से,
एक भी भाजपा के विधायक सांसदों को मजदूरों का सेवा करते हुए देखा आपने? किसी को एक एक सांसद विधायक पांच पांच बसे लगाती, कुछ नहीं करना था। जो पीयूष गोयल हरजीमारे के तहत पीएम केयर में पैसा दिया, प्रधानमंत्री जी को दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी काली है, क्यों नहीं कागज दिखाते हैं? ट्रेनों को फ्री कर देना चाहिए, जब मजदूरों को घर पहुंचना था तो भारतीय रेल मुनाफा कमाने में लगी है, जब देश में पीपीए किट की जरूरत थी तो सरकार उसमें मुनाफा कमा रही है। देश पता नहीं ये लोग कैसे, अरे माँ गंगा बुला रही है, आओ डूब मरो चुल्लू भर पानी में, देश संभालने वाला नहीं है, ये ईवीएम मशीन नहीं है जिसकी सेटिंग कर लोग। अगला सवाल करते हैं, आपने बहुत अच्छा किया मजदूरों की बात की। मजदूरों की जो दुर्दशा है और जो सड़कों पे मजदूर दिखाई दे रहे हैं पिछले 57 दिनों से लगातार, आपको क्या लगता है, ये सरकार का फेलियर है या ये विपक्ष की साजिश है, उसने भड़का के मजदूरों को सड़क पे उतार दिया है और सरकार जो करना चाहती थी कोरोना रोकने के लिए उसको फ्लॉप करने की कोशिश है? सरकार का क्या व्यवस्था है, साधारण बीमारी, लोगों को राशन नहीं दिया जाता, अस्पतालों में इलाज की सुविधा नहीं है, जहां इनका 15 साल से डबल इंजन की सरकार मांग रहे थे, ट्रिपल इंजन की सरकार है। 6 साल में कभी सुना कि बिहार में बाढ़ आती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर बनाएंगे बिहार को, डैम का निर्माण कर देते हैं। ये लोग देश को जाति धर्म प्रांत में बांटकर देश लूटने का काम कर रहे हैं, अपने व्यापारिक मित्रों का पार्टी मजबूत कर रहे हैं, ये देश मजबूत नहीं कर रहे। विपक्ष की क्या साजिश हो, बेचारे मजदूरों को घरों में राशन नहीं मिला, साधारण ट्रेन चला देते, उसकी जांच होती, जो लोग सही पाए जाते, निगेटिव पाए जाते उनको घर भेज देते, पॉजिटिव वाले को क्वारंटाइन करते। ये अजीब सी सरकार अपनी नाकामी को लिए छुपाने के लिए दूसरों पर ठीकरा फोड़ती है। 6 साल बेमिसाल का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग जश्न मना रहे हैं, आपको जश्न दिखा है? नरेंद्र मोदी बोलने वाले प्रधानमंत्री मिले हैं, मनमोहन सिंह के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की क्षमता रखते हैं, पीओके जो है उसको वापस लेने की कोशिश की जा रही है, चाइना के जो हवाई जहाज थे सॉरी हेलीकॉप्टर थे उनको हमारे फाइटर प्लेन ने वापस भगा दिया है, कहीं कुछ नहीं दिखता आप लोगों को? 6 साल बड़ा बुरा हाल, भारत की जनता से नए चप्पल बर्बाद ना करने की सलाह देता हूँ, टूटे फूटे चप्पल बचा के रखना, ये नमक हराम नमक हलाल नेता जब आपसे वोट मांगने आएंगे तो इनका स्वागत इन टूटे फूटे चप्पलों से करना। देश के युवाओं से, किसानों से, माताएं बहनों से, जाति धर्म के ऊपर उठकर जो दरिंदे हमसे नून रोटी खाएंगे, वोट ले लिया नमक हराम नेताओं का स्वागत चप्पल जूतों से करें, इनको डंटे से फर्क नहीं पड़ेगा। देश पूछ रहा है क्या कर दिया आपने 6 साल में, जो आदमी 1947 से हम हवाई जहाज तक पहुंचे थे, प्रधानमंत्री जी कहते थे हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करेगा, भाजपा की मोदी सरकार ने हवाई चप्पल छीन ली, लोग पानी के बोतल पहन रहे थे, लोग पैदल अपने घरों तक नहीं पहुंच पाएंगे, किस तरीके से किसी का पति मर गया, कोई गर्भवती महिला कोई ट्रॉली खींच के, मोदी जी भी कहते मैं भी बच्चा था तो मगरमच्छ पर बैठ के ऐसा ही बचाया करता था। सॉरी आपने क्या किया, प्रधानमंत्री जी खुद ही कंफ्यूज है, कहां से बोलते हैं पूरा देश कंफ्यूज है, लोग मुंह से बोलता है समझ में आता है, ये तो इतना बोलते हैं अगर कपड़ा फटने लगे तो थान का थान फटे, कोई भी मालिक भी बना नहीं सकता, फेंकने में क्या जाता है? प्रधानमंत्री जी फेंकू है, जुमलेश्वर है, जूठेश्वर है, अगर हिटलर की अंत्येष्टि सही से हुई होती तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता। जिस गुजरात मॉडल की बात की जाती है वहां के अस्पतालों की स्थिति देखिए, अस्पताल में भर्ती मरीज लवारिस लाश के रूप में पाया जाता है। प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद शरण का नाम कर्णावती था और अहमदाबाद करोनावती हो गया। प्रधानमंत्री जी जानबूझकर विपक्षी पार्टियों की जहां जहां सरकारें हैं, आप दलगत भावना से ऊपर उठकर एक मानवता के नाम पर आपने भगवा वस्त्र पहनकर रावण को भी फेल कर दिया आपने। तो ये भाजपा के गुंडे, यहां के गिर सिंह जो पाकिस्तान से, संदीप पात्रा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीन देशों के हिंदुओं को लाने की बात करते थे, 17% मुसलमानों को डराने के चक्कर में देश के 70% हिंदुओं का इन्होंने परेशान कर दिया, ये कभी हिंदू नहीं हो सकते, असुर प्रवृत्ति के लोग। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं भी आखिर की तरफ चलना चाहता हूँ, कोशिश हम करते हैं कि 10 से 15 मिनट में तमाम चीजों को समेट सके, लेकिन आपके पास इतना कुछ है कि 10 से 15 मिनट में उसको समेटा नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि आज हिंदू समझेगा कि उनका तुष्टीकरण कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, तमाम सरकारें मुसलमानों को प्रताड़ित करने के नाम पर, दिखाने के नाम पर,
क्या आज उसको अकल आएगी? लगता तो है नहीं। वो तो फिर बीजेपी जब जाएगी उनके पास, हिंदू मुस्लिम करेगी, वो फिर वोट दे देंगे। लगता क्या है आपको, अब क्या होगा? देखिए बिल्कुल, रामायण ने और कोरोना ने देश की जनता का ध्यान, जो आपका चश्मा खुला है, जो ये लोग जाति धर्म प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर जो वैमनस्य फैला रहे थे, नफरत फैला रहे थे, देश को लूट रहे थे, हमारे देश की जनता ने देखा है। ये लोग सिर्फ आग लगा सकते हैं, आग नहीं बुझा सकते। आग बुझाने वाला हमारा पड़ोसी ही होगा, चाहे वो पंकज हो या परवेज हो। सवाल उठता है भाजपा के चाल चलित चेहरा को पूरी देश ने देखा है। रेल मंत्री ने, हमने कई बार ट्वीट किया था, हमने कई बार फोन करने की कोशिश करी, कोई फोन उठाता नहीं। 1 जून से रेल चलाने की बात होती है, आप रात में रातों रात नोटबंदी ला सकते हैं, काला कानून ला सकते हैं, रातों रात ट्रेन नहीं चला सकते हैं। ये कौन सी बात है भाई? आप जानबूझकर मजदूरों को मारना चाहते हैं, भूखे प्यासे, इतने दुर्दयी, इतने निर्लज, इतने मतलब निष्ठुर पत्थर दिल लोग हैं। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम चीजों में प्रकाश डालने की कोशिश की, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अब वो मजदूर, वो किसान अभी हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा जब वोट डालने की बारी आएगी? ये देखना काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप वक्त निकालते हैं, धाकड़ खबर को अपना समय देते हैं और अपने बोल बच्चन लोगों के सामने रखते हैं, जो लोग सुनने के लिए भी बड़े आतुर रहते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे। हाँ जी, फिलहाल अभी हमें इजाजत।